मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ। त्याग और बलिदान का प्रतीक, हाँ मैं वही चित्तौड़गढ़ हूँ जो कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मैं मेवाड़ की राजधानी रहा, लेकिन मैं कभी किसी के अधीन नहीं रहा। मेरी मिट्टी के कण कण में शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है। मैं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता हूँ। मैं वही हूँ जिसके आंचल में महाराणा प्रताप खेले, सती मीराबाई ने भगवान की भक्ति की, और तो और चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी ने अपनी लाज बचाने के लिए जौहर किया था। मेरा जन्म आज से लगभग 1500 साल पहले मौर्य वंश के शासक चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। उस समय मैं चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। जब खिलजी के बेटे हिजर खान ने राज किया, तब मेरा नाम हिजराबाद रखा गया था। उसके बाद राणा कुंभा के काल में चित्तौड़ के नाम से मुझे जाना गया। मैं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग हूँ। अगर आप मुझ पर विजिट करते हैं तो मैं पूरे 13 किलोमीटर की परिधि और 700 एकड़ जमीन के ऊपर में बसा हुआ हूँ। एक समय था जब मेरे अंदर छोटे बड़े करके 113 मंदिर थे, 84 पानी के कुंड बने हुए थे और 8 भव्य महल बने हुए थे। लेकिन जब मुगलों ने मुझ पर आक्रमण किया तो मुझे बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। यदि आज मेरी बात की जाए तो मैं देखने में खंडहर ही बचा हूँ, और मुझे सुनने के लिए एक सुंदर सा इतिहास और खाने में मेरे यहाँ के सीताफल बड़े प्रसिद्ध हैं। 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक मेरे ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों ने राज किया, और उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा, जिसमें बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा जैसे पराक्रमी राजाओं ने राज किया। इनमें सबसे ज्यादा राणा कुंभा ने सबसे ज्यादा 35 साल राज किया, जिन्होंने कुंभलगढ़ बसाया। 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक मेरे ऊपर मुगलों ने 27 बार आक्रमण किए, जिसमें से 24 आक्रमण राजपूत सेना ने जीते और 3 हमले में मुगल विजयी रहे, और उन्हें 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में यहीं की मेवाड़ राजवंश की आभा मेवाड़ की महारानियों ने जौहर किया। आप कभी मुझे निहारने आएंगे तो मेरे किले पर जाने के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं, जिनके नाम है पाडल पोल, दूसरा है भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़न पोल, श्रीराम पोल, पारस्परिक कलाकृति, ये 7 दरवाजे हैं। इनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जो मुख्य दरवाजा है वह युद्ध के मैदान की तरफ है, जिसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप किले की चढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको सामने की तरफ कुंभा महल दिखाई देगा। ये वही महल है जिसमें महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ था, और वहीं माँ पन्नाधाई ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन सिंह का बलिदान भी दिया था, और अपने बेटे की मौत के वियोग को अपने सीने में दबाकर उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ पहुंच गई थी। इस महल में एंटर होते ही अस्तबल दिखाई देता है, जहां राणा कुंभा के 7 घोड़े बंधा करते थे, और सामने ही झरोखे बने हुए हैं जहां से राणा भगवान सूर्य के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे, और जिस दिन मौसम खराब होने की वजह से सूरज नहीं निकलता था तो उसके लिए 50 किलो सोने का सूरज बनाया गया था, जिसकी पूजा करके ही अन्न का दाना ग्रहण करते थे। इस महल में 2 भाग बने हुए हैं, जिनको जनाना और मर्दाना के नाम से जाना जाता है। इसमें जनाना में रानियां रहती थी और मर्दाना में पुरुष रहा करते थे। इसी महल में एक सुरंग बनी हुई है जो सीधा गोमुख कुंड में जाकर खुलती है, जहां से रानियां जाकर
नहा कराती थी। कुंभा महल से आगे जौहर स्थल के रूप में एक स्थान दिखाई देता है। मेरे सीने में जौहर के रूप में समाया वह दर्द है जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। 13वीं शताब्दी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मुझ पर आक्रमण किया था। आपको पता है कि वह किले की चढ़ाई करके युद्ध नहीं जीत सकता था, तो उसने किले को चारों तरफ 6 महीने तक घेरा डाल रखा था। बाहर से आने वाले राशन को उसने बंद कर दिया था। परिणाम स्वरूप मेरे अंदर रहने वाली जनता भूख प्यास से मरने लगी। जब यह खबर राणा रतन सिंह को लगी तो उन्होंने खिलजी से संधि करनी चाही, लेकिन खिलजी धोखे से उनको बंदी बना लेता है, जिसके बाद में गोरा बादल उन्हें छुड़ा लेते हैं। लेकिन राजपूत सेना ये युद्ध हार जाती है और उस समय मेवाड़ की महारानी पद्मनी अपनी 16,000 सखियों, सहेलियों और दासियों के साथ में खुद को अग्नि कुंड के हवाले कर देती है और मेरी मिट्टी में समा जाती है। और उसके बाद में दूसरा जौहर हुआ 1534 के अंदर, जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया। उस समय रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ जौहर किया था। पहले एक कुंड की तरह था, लेकिन आज वहां मिट्टी डालकर गार्डन का रूप दे दिया गया है। सिर्फ एक हवन कुंड रखा है जहां एक निश्चित दिन मेवाड़ के वर्तमान राजा कर हवन करके जिन्होंने जौहर किया था उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद तीसरा आक्रमण अकबर ने किया था, वही अकबर जिसे आप द ग्रेट अकबर के नाम से जानते हैं। उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। उन्होंने चित्तौड़ का किला उनके सेनापति जयमलपत्ता के हाथों सौंप कर वहां से उदयपुर चले गए थे। उसी समय उन्होंने उदयपुर नगर बसाया था और जयमलपत्ता ने अकबर से लड़ाई करी और उसमें 8,000 महिलाओं ने जौहर किया था। और इस युद्ध के बाद अकबर ने मेरी धरती पर जो रक्तपात मचाया था, उसने आम जन को मार मार कर इस मिट्टी का रंग लाल कर दिया था। मैं इस दुर्दांत और इस आताताई राजा को कभी भूल नहीं सकता। जौहर कुंड के पास ही आपको विजय स्तंभ भी दिखेगा, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा दोनों राज्यों को जीत लिया था। इसी की खुशी में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसको बनने में पूरे 10 साल का समय लगा। उस समय इसको बनाने में 90 लाख का खर्च आया था। 122 फुट इसकी ऊंचाई है। इसके अंदर कुल 157 सीढ़ियां बनी हुई हैं और यह 9 मंजिला है और इसका आकार भोलेनाथ के डमरू के समान है। नीचे से 3 मंजिल चौड़ा है, बीच में 5 मंजिल संकरा है और ऊपर से 2 मंजिल फिर से चौड़ा है। मेरे राजस्थान पुलिस के बाएं हाथ पर इसी का सिंबल बना होता है। विजय स्तंभ के आसपास आपको टूटे फूटे खंडहर दिखेंगे, सब मेरे उस समय के मंदिर थे जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के नहीं मिलने पर तोड़ दिया था और बाद के आक्रमणकारियों ने भी ऐसा।
थोड़ा आगे चलने पर पानी के बीच में आपको एक महल दिखाई देता है जिसे पद्मिनी महल कहते हैं और जिसको समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के समय में 4 महीने रानी पद्मिनी इसी महल में रहती थी, क्योंकि उस समय एसी या कूलर तो होते नहीं थे। जो गर्मी के कारण यह जल महल बनाया गया था, वहीं आपको एक और महल देखने को मिलता है। इसमें रानी पद्मिनी अपनी दासियों के साथ रहती थी, जो 3 मंजिला था, लेकिन आज खंडहर है। रानी पद्मिनी जल महल में नाव के द्वारा जाया करती थी और उसमें लकड़ी की नाव होती थी। आज के समय में मेरे यहाँ सरकार ने गार्डन बना दिया है, जिसमें आपको हर तरह के गुलाब के फूल मिल जाएंगे। थोड़ा आगे चलने पर आपको भीमकुंड दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा महाराजा के शासन से पहले यहाँ पांडव आए थे और उस जगह पर भीम ने अपने पैर से पानी निकाल दिया था, उसको भीमकुंड नाम से जाना जाता है। थोड़ा आगे चलने पर आपको सूरज पोल दिखता है, जो दुर्ग में आने का पुराना रास्ता भी है। यह 1303 में खिलजी ने आक्रमण किया था, तब इसी गेट पर चढ़ाई की थी। इस रास्ते पर भी 7 गेट बने हुए हैं। जब खिलजी ने आक्रमण किया था, तब उसने एक एक करके सारे गेट तहस नहस कर दिए थे, जिसमें से 6 गेट पूरी तरह से टूटे हुए हैं, लेकिन जो सूरज पोल गेट है वो बचा हुआ है। सूरज की सबसे पहली किरण इसी गेट पर पड़ती है और इसका नाम इसी वजह से सूरज पोल है। इसके सामने जो आपको खुला मैदान दिखता है वो मैदान हुआ करता था, लेकिन आज मेरे यहाँ कुछ बस्तियां बस गई हैं, जिस वजह से वहां लोग खेती करने लग गए हैं। आपको गेट पर कुछ बड़ी बड़ी कीले लगी हुई दिखाई देती हैं, जिनको अंकुश कहा जाता है। जब आक्रमण किया जाता था, तब हाथी को मदिरा पिलाकर पागल किया जाता था और उस गेट को तुड़वाया जाता था, लेकिन वह गेट को तोड़ न सके, इसी के लिए अंकुश लगाए जाते थे। अब आखिरी में आपको बताता हूं कि कैसे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं भीलवाड़ा और उदयपुर के मध्य बसा हुआ हूं। मेरे सबसे निकटतम हवाई अड्डा डबोक एयरपोर्ट, जो कि उदयपुर में स्थित है, जहां से मेरी दूरी 90 किलोमीटर पड़ती है और आप ट्रेन से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। चित्तौड़गढ़ अपने आप एक रेलवे जंक्शन है, जहां लगभग हर शहर से ट्रेन उपलब्ध है। अगर मैं मेरे स्थानीय लोगों के खान पान की बात करूं, तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध खाना दाल बाटी चूरमा है, जो काफी लजीज भोजन होता है और मेवाड़ के लोग अपनी मनोहार के लिए भी विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ के उपयुक्त मौसम की बात करूं, तो गर्मियों में यहाँ का मौसम बड़ा ही गर्म होता है और उस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। मानसून के दौरान रुक रुक कर होने वाली वर्षा के कारण हवा नम होती है। इस स्थान की यात्रा के लिए ठंड का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ये थी मेरी आत्मकथा, जो त्याग, बलिदान और भक्ति से सराबोर है। मैं खुद को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे पर उन शासकों ने राज किया, जिन्होंने मुझे कभी दुश्मन के हाथों में नहीं सौंपा। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी इस पावन मिट्टी को लेकर अगर गलती से भी मेरे बारे में मैं कुछ भूल गया हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको मेरी आत्मकथा पसंद आई है, तो मुझे दूसरों तक भी पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।